हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प। अपने इस प्रोग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, जैसे 1, 1, 2 एंड 1, 2, 3। अब इस पैटर्न को हम, और वो भी यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। अब इस पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है नेस्टेड फॉर लूप का यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे क्या चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। अगर मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज डी और कॉमा यहाँ लिख दिया जे, क्योंकि वो 1, 2, 3, 1, 2, 3 उसी में ही आता है बार बार। तो अगर इसको चलाया तो ये तो आ रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। हो सकता है आपने पहले भी किया हो। तो इसमें अब हमें ऐसा क्या करना है कि जिसमें पहले जो जो लूप है वो पहले एक बार चले, फिर एक बार चलने के बाद वो, तो आपकी जो आउटपुट है वो इस तरह से आ रही है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, जबकि आपको चाहिए यहाँ पर 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2, 3। तो यहाँ पे ऐसे क्या चेंज करेंगे जिससे वो पहले एक बार चले, फिर दो बार, फिर तीन बार। तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, आपको सिंपल आई कर लेना है, क्योंकि आई में पहले वन पड़ा होता है, फिर उसके बाद जब दोबारा वापस जाता है तो वो टू होता है, उसके बाद जब दोबारा वापस जाता है तो वो थ्री होता है। इसको चलाया तो यार आपका 1, 1, 2 एंड 1, 2, 3। कैसे कि आई की वैल्यू पहले वन है, जैसे आई और जे दो वेरिएबल लिए मेन के अंदर, आई की वैल्यू पहले 1 है, 1 less than 3 ट्रू है, कंट्रोल अंदर आया, जे की वैल्यू 1 होगी एंड आई में 1 पड़ा है तो जे इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो जे में 1 पड़ा है तो 1 इज़ इक्वल टू 1, ट्रू है, अंदर आया, प्रिंट एफ परसेंटी जे, जे लिख दी, जे में कितना पड़ा है 1 पड़ा है तो वो 1 प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू होगी 2, 2 less than equal to आई, आई में कितना पड़ा है 1, तो क्या जो 2 है क्या वो 1 के इक्वल है, नहीं है, क्या वो उससे लेस है 1 से, नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ से फॉल्स होकर सीधा कहाँ आ गया, बाहर, और यहाँ पे आ गया प्रिंट एफ बैक लेसन, कर्सर जो है वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर ऊपर गया आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, आई की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, 2 less than 3 ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखा तो जे की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर यहाँ पे आएगा 1 less than equal to i, क्योंकि i में कितना पड़ा है 2 पड़ा है, तो 1 less than equal to 2 ट्रू है, क्योंकि लेस देन है 2 से, अंदर आया परसेंटेज डी जे, जे में कितना पड़ा है 1 पड़ा है तो वो 1 प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू होगी 2, i में 2 पड़ा है तो 2 is equal to 2, स्टिल इट इज़ ट्रू, अंदर आया, जे में कितना पड़ा है 2 पड़ा है, वो 2 प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस किया, जे हो गया 3, आई में 2 ही पड़ा है तो 3 क्या वो 2 से छोटा है, या 3 जो है 2 के बराबर है, कंट्रोल जो है वो उससे सीधा बाहर आया और यहाँ पे बैक लेसन, कर्सर यहाँ से नीचे आ गया। फिर वो ऊपर गया, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी 3, अब 3 is equal to 3, ट्रू नीचे आया, जे की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, अब जे की वैल्यू 1 होगी, फिर उसने किया 1 less than equal to 3, क्या ये ट्रू है, तो 1 less than 3 ट्रू है, अंदर आया कंट्रोल, प्रिंट एफ परसेंटेज जे, जे में तो 1 पड़ा है क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है, तो जे में 1 पड़ा है तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस किया तो जे की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 2 less than or equal to 3, ये भी ट्रू है, अंदर आया प्रिंट एफ परसेंटेज जे, जे में कितना पड़ा है 2 पड़ा है, वो 2 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर किया, जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 3 is less than or equal to 3, 3 equal to 3 ट्रू हो गया, नीचे आया प्रिंट एफ परसेंटेज जे, जे में कितना पड़ा है 3 पड़ा है, वो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, 4 less than or equal to 3, क्या ये सही है, नहीं ये फॉल्स है, फॉल्स है तो कंट्रोल सीधा यहाँ से कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन पर बैक लेसन, तो कर्सर जो है वो यहाँ 3 से नेक्स्ट लाइन पर आ गया। फिर ऊपर किया, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, 4 less than 3 है, ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो कंट्रोल सीधा इससे बाहर आ गया, ये वाली जो आउटपुट है आपको ये प्रिंट होके मिल जाएगी। तो इस तरह से जो आप आउटपुट चाहते थे ये यहाँ पे आ चुकी है। तो थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम कॉम्प्यूहेल्प।